हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब अड्डा में स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट के साथ आया हूं। तो झारखंड के ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, इंतजार खत्म, अब नए साल 2021 में चलेगी ये ट्रेनें। देख ले इस वीडियो में विस्तार से। तो आप लोगों को यहां पर मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन सी ट्रेनें अभी झारखंड में चल रही है और कौन सी ट्रेनें 2021 में चलने वाली है। आप लोगों को सारे चीज़ यहाँ पर मैं बता दूंगा कि कौन सी ट्रेनें कब चलेगी और उसका टाइम टेबल क्या होगा और 2021 में कौन कौन सी ट्रेनें चलने वाली है। तो उसका डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मैं यहां पर दिखाने वाला हूं और यहां पर लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि अगर आप रांची से पटना जाना चाहते हैं तो आप किस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं इंडियन रेलवे लेटेस्ट अपडेट, ट्रेन यात्रियों को जो है राहत, इंतजार खत्म, नए साल में शुरू हो रही है ये ट्रेनें, जाने विस्तार से। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं रांची JNN इंडिया रेलवे IRCTC रेल यात्रियों के लिए जो है राहत भरी खबर है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के जो है परिचालन की अवधि में विस्तार किया है। जिनके परिचालन की जो है अवधि बढ़ी है उनका जो है ठहराव समय पूर्ववत जो रहेगा और इन गाड़ियों के जो है सभी कोच आरक्षित श्रेणी होंगे। यात्रियों को जो है COVID-19 के मानकों का जो है पालन करना होगा। ये सभी ट्रेनें जो है स्पेशल ट्रेन बनकर चल रही है। इन ट्रेनों को जो है 31 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया था। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि अब जो है इसमें से रांची या पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और धनबाद से पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस का जो है फेरा बढ़ा दिया गया है। दोनों ट्रेनें जो है 31 जनवरी तक चलती रहेगी। झारखंड बिहार के जो है हजारों यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। गंगा दामोदर एक्सप्रेस जो है 31 जनवरी तक जो है धनबाद से और वापसी में पटना से धनबाद के लिए ट्रेन को 1 फरवरी तक चलाया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं बता दूँ कि जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है 31 जनवरी तक चलाने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को जो है फेरा बढ़ाने का आदेश भी जारी किया गया है। नए साल में राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस जो है का तोहफा, रांची बोकारो और धनबाद के यात्रियों को जो है उत्तर बिहार और उड़ीसा पहुँचने का जो है जल्द विकल्प मिल जाएगा। राउरकेला से जो है रांची और धनबाद होकर जयनगर जाने वाली ट्रेन भी नए साल में पटरी पर लौट जाएगी। रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रांची से जो है जयनगर के बीच चलने वाली जो है इन ट्रेनों को जो है राउरकेला तक विस्तार की मंजूरी रेलवे बोर्ड से पिछले महीने 23 नवंबर को ही दे दी है। दोनों ओर से जो है टाइम टेबल भी निर्धारित हो चुके हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह से ट्रेन चलाने की संभावना जताई जा रही है। इस ट्रेन के चलाने से जो है रांची बोकारो और धनबाद के यात्रियों को उत्तर बिहार के साथ साथ उड़ीसा पहुंचने का भी विकल्प मिल जाएगा। नीरज अवस्थ DRM रांची रेल मंडल ने जो है बताया कि रेलवे बोर्ड से जो है अब तक अनुमति नहीं मिली है। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही जो है राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस जो है को चलाया जाएगा। और यहां पर आगे देख पा रहे हैं कि गंगा दामोदर एक्सप्रेस जो है स्पेशल बनकर ही चलेगी। गंगा दामोदर एक्सप्रेस स्पेशल बनकर ही चलेगी। इस वजह से जो है यात्रियों को नियमित ट्रेन की जो है तुलना में सभी श्रेणियों में अधिक किराया चुकाना होगा। इतना ही नहीं, इस ट्रेन से जो है रेलवे ने तत्काल कोटा बंद कर दिया है और फेरा बढ़ाने के बाद भी जो है यात्रियों को तत्काल सीट टिकट बुक कराने की अनुमति नहीं मिलेगी। और यहां पर आगे देख पा रहे हैं कि रेलवे ने जो है जनशताब्दी और गंगा दामोदर सहित कई ट्रेनों का जो परिचालन 31 जनवरी तक बढ़ाया। नए साल में रेलवे की ओर से जो है राहत की खबर है। ट्रेन यात्रियों को जो है सहज बनाने के लिए जो है कई पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी रेल मंडलों को जो है इस बात की जरूरी निर्देश दी गई है। इधर जो है रांची से पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के जो है फेरे को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिए गए हैं और रांची से जो है रांची और पटना दोनों ओर से जो है सफ़र करने वाले यात्री अब नए साल पहले माह तक सफ़र कर सकेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि रांची जंक्शन से है पटना जाने वाली ट्रेन संख्या 08626 6:20 AM में और ये जो है पटना पहुँचेगी 3:30 PM में। तो इसका जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रांची जंक्शन से ये खुलेगी और यहाँ पर मुरी जंक्शन, बोकारो, स्टील सिटी, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे यहाँ स्टेशन के नाम दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3:30 PM में जो है पटना जंक्शन पे ये पहुंचेगी। इस ट्रेन से आप रांची से पटना जा सकते हैं या फिर यहाँ पर सेकेंड देखते हैं कि ट्रेन संख्या 02364 ये जो है 2:25 PM में रांची से खुलेगी और पटना जो है 10:19 PM में पहुंचेगी। तो इसका जो है यहाँ पर स्टॉपेज देख पा रहे हैं कि ये भी जो है रांची जंक्शन से
खुलेगी और मुरी जंक्शन बोकारो स्टील सिटी होते हुए यहाँ पर यह पटना जंक्शन पहुँचेगी। और यहाँ पर लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर में ट्रेन संख्या 08624 जो है ये 7:50 PM में खुलेगी और 6:20 AM में ये पटना पहुँचेगी। इसका जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जनरल के लिए 140 रुपया है और ये जो है सभी डेली ट्रेनें चलेगी। तो इसका भी यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ स्टेशन का जो नाम दिया हुआ है ये 11 जंक्शन से होते हुए ये पटना जंक्शन पे पहुँचेगी। तो इस तरह से आप रांची से पटना के लिए सफ़र कर सकते हैं ये ट्रेन से। तो इस तरह से आप रांची से पटना के लिए भी ट्रेन चल रही है तो जा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्या एक्सप्रेस के बाद जो है अब धनबाद से पटना जाने वाले गंगा दामोदर एक्सप्रेस के फेरों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। गंगा दामोदर एक्सप्रेस अब 31 जनवरी तक चलेगी। वापसी में जो है पटना से धनबाद के लिए इस ट्रेन को जो है 1 फरवरी तक चलाया जाएगा। पहले जो है रेलवे ने दोनों ट्रेनों को जो है 31 दिसंबर तक चलाने की घोषणा की थी। सोमवार को जो है फेरे बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। और यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं कि चुकाना होगा स्पेशल ट्रेनों का किराया, तत्काल कोटे से बुकिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप आगे देख पा रहे हैं कि पटना से जो है धनबाद जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस अभी जो है स्पेशल ट्रेन बनकर ही चलेगी। इस वजह से जो है यात्रियों को नियमित ट्रेन की तुलना में सभी श्रेणियों में अधिक किराया चुकाना होगा। इतना ही नहीं, इस ट्रेन के जो है रेलवे तत्काल कोटा भी बंद कर दिया है। फेरे बढ़ाने के बाद भी यात्रियों को जो है तत्काल टिकट बुक कराने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह से ये ट्रेनें थी। तो अगर आप भी रांची से पटना या फिर ये गंगा दामोदर एक्सप्रेस का अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी चलाई जाएगी ये सब ट्रेनें। और अभी जितना भी ट्रेनें मैं बताया वो 31 जनवरी तक चलेगी। तो आप इससे सफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना टिकट भी बुकिंग करा सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।